ये है होंडा डीओ 110 डीएक्स वेरिएंट 2022 न्यू मॉडल मैट ब्लू कलर के साथ। डीओ स्टैंडर्ड में हेलोजन हेडलाइट मिलती है एनालॉग कंसोल के साथ, जबकि इस डीओ डीएक्स के टॉप मॉडल में आपको एलईडी हेडलैम्प और डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है। इसमें आपको अलग क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, एसेसरीज की कीमत क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पर आपको मैट फिनिश के साथ वाइजर मिलता है, होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। सेंटर में आपको मिलती है एलईडी पोजीशन लाइट डीआरएल के साथ, तो यहाँ पर आपको मैट फिनिश मिल जाती है। डीएक्स का यहाँ पर आपको स्टिकर मिल जाता है, जैसा कि ये डीएक्स वेरिएंट अभी आप देख रहे हैं। साइड में आपको हेलोजन टाइप के टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, जिसमें 10 वाट का हेलोजन का बल्ब दिया गया है। जैसा कि ये डीओ का डीएक्स वेरिएंट है, तो इसमें आपको स्प्लिट एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिलता है। यहाँ पर आपको क्रोम का गार्ड मिलता है, जो आपको एसेसरीज के तौर पर अलग से लेना पड़ता है। आगे वाला जो मडगार्ड है वो फाइबर का दिया गया है, जिसके दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से इस स्कूटर में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, दोनों ब्रेक एक साथ काम करती हैं। 90-90 बारह के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं MRF के, और 12 इंच का यहाँ पर आपको स्टील व्हील रिम मिलता है गोल्डन कलर के साथ, और टेलीस्कोपिक टाइप के फ्रंट में सस्पेंशन दिए हैं। इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको ब्लैक कलर की थीम मिल जाती है, गोल्डन कलर के थोड़े से यहाँ पर आपको स्टील व्हील रिम मिलते हैं, मोटो स्पोर्ट्स का यहाँ पर आपको स्टिकर मिल जाता है, थोड़ी सी यहाँ पर आपको कार्बन फिनिशिंग मिल जाती है। इसमें 160 mm की काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, लेग स्पेस एरिया भी इसका काफ़ी अच्छा दिया गया है, और यहाँ पर आपको मिलता है बैटरी का सारा सेटअप, जिसमें नीचे की साइड में बैटरी इंस्टॉल की गई है। नीचे आपको कैरी हुक मिल जाता है, और इसका जो लेग स्पेस एरिया है वो काफ़ी चौड़ा दिया गया है, और यहाँ पर आपको की पॉइंट मिलता है। यहीं से आप इसके फ्यूल के कैप को और इसके सीट के अंडर स्टोरेज को यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैरी हुक मिलता है। लेफ्ट हैंड में आपको थोड़ा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जिसमें आप एक पानी की बोतल को रख सकते हैं। होंडा डीओ डीएक्स स्कूटर में आपको मिलती है एलईडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें ऊपर की साइड में आपको इको स्पीड इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर, यहाँ पर आपको हेडलाइट और इंजन माल फंक्शन की वार्निंग की इंडिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसकी डिस्प्ले की बात करें तो साइड में आपको फ्यूल गेज, यहाँ पर आपको ट्रिम मीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, सर्विस ड्यू रिमाइंडर की वार्निंग मिलती है। इसके साथ ही सबसे अच्छी बात कि इसमें आपको रियल टाइम एवरेज देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रियल टाइम रेंज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। रेगुलर यहाँ पर आपको साइड व्यू मिरर मिलते हैं, यहाँ पर आपको अपर डिपर के साथ पासिंग स्विच इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच मिलता है। दूसरी साइड में आपको इंजन के लो सेल्फ स्टार्ट का स्विच दिया गया। तो सबसे पहले मैं आपको इसके एग्जॉस्ट के साउंड को चेकआउट करा देता हूँ। इसके सीट कंफर्ट की बात करें तो इस स्कूटर में आपको काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की सीट मिल जाती है, जो कि लो हाइट वालों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, जिसमें आपको 765 mm की सीट हाइट दी गई है। डीओ का 3D में लोगो, डीएक्स का स्टिकर और फुली फाइबर बॉडी मिल जाती है, और नीचे आपको मैट ब्लैक फिनिश मिलती है। दोनों साइड में आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं, एग्जॉस्ट के ऊपर आपको मफलर गार्ड मिलता है, जिसमें मैट ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है। रियर सेक्शन की बात करें तो अगर आपकी हाइट 5'3" के आसपास है तो आप इस स्कूटर को आसानी से चला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस स्कूटर के फ्यूल के कैप को और इसके बूट को यहाँ से ओपन कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ से इसका जो फ्यूल कैप है वो आसानी से ओपन हो चुका है। इसमें आपको 5.3 लीटर की एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मिल जाती है, और इसके फ्यूल के कैप को बंद करने के लिए आपको इसको ज़ोर से दबाना पड़ता है झटके के साथ। और इसकी जो टेल लाइट है दोस्तों, वो यहाँ पर आपको हेलोजन की मिलती है, और हेलोजन यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। टेल लाइट का जो गार्ड है वो भी यहाँ पर आपको एसेसरीज के तौर पर अलग से लेना पड़ता है। नीचे आपको होंडा का स्टिकर, रिफ्लेक्टर मिल जाता है, नंबर प्लेट का ऑप्शन। इसमें आपको 55 km/L का आसानी से माइलेज मिलता है। यहाँ पर आपको हीरो का 3D में लोगो, डीएक्स का स्टिकर, HETBSX का लोगो मिल जाता है स्टिकर के साथ। एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं। साइड स्टैंड के ऊपर आपको कोई भी सेंसर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। रियर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है लेडी पिलियन फुटरेस्ट पैर रखने के लिए। यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का लीवर, होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है, 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है, MRF कंपनी के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, 3-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड टाइप के सस्पेंशन दिए गए हैं। रियर में आपको मिलता है 90-110 का ट्यूबलेस टायर, आगे में आपको 12 इंच का मिलता है। इंजन और पावर की बात करें तो 109.51 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SI इंजन दिया है, जो 7.76 PS की पावर देता है 8000 RPM पर, और 9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 4750 RPM पर।
तो अब बात करें इसके प्राइस की, तो होंडा डी ओ डी एक्स की एक्स शोरूम कीमत है 72,978 रुपये और इसकी ऑन रोड कीमत है 87,040 रुपये। अगर आप इसको एसेसरीज के साथ लेते हैं तो इसकी एसेसरीज की कीमत है 3,960 रुपये। और होंडा डी ओ डी एक्स का स्टैंडर्ड वेरिएंट ये अभी आप देख रहे हैं जो कि मैट ग्रे कलर के साथ है, और ये स्कूटर आपको 83,277 रुपये का ऑन रोड मिल जाता है विदाउट एसेसरीज के साथ। ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है प्रेम होंडा NS2 हाईवे मथुरा शोरूम की। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं तो आप अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।